हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ब्लूटूथ नहीं आ रहा है, सर्च या स्कैन वाली प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। अब आपको नीचे आ जाना है तो यहाँ पर सिस्टम सेटिंग या एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब सबसे नीचे आ जाना है तो यहाँ पर बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। फिर सबसे नीचे रीसेट फ़ोन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब ऊपर रीसेट नेटवर्क सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा या रीसेट वाईफाई एंड ब्लूटूथ का, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करने से क्या होगा, आपका ब्लूटूथ वाईफाई और मोबाइल नेटवर्क सेटिंग रीसेट हो जाएगा। इससे आपका कुछ भी डिलीट नहीं होगा, जैसे कि फ़ोटो, वीडियो, कॉन्टैक्ट नंबर, कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा और जो प्रॉब्लम रहेगी वो सही हो जाएगी। तो इस पर क्लिक करना है और लॉक स्क्रीन का पैटर्न या पासवर्ड डालकर रीसेट कर लेना है। तो अब हम बैक आते हैं, आप चाहें तो इस सेटिंग को यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए, सेटिंग में जैसे ही आएंगे तो ऊपर सर्च का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर सर्च करना है रीसेट, तो यहाँ पर रीसेट नेटवर्क सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आसानी से रीसेट नेटवर्क सेटिंग कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे ही इतना कर लेंगे अब अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करना है। कैसे रीस्टार्ट करेंगे, तो देखिए जो फ़ोन का पावर बटन है जिससे मोबाइल लॉक करते हैं, इस बटन को कुछ सेकंड तक दबाकर रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट का, रीबूट नाम से भी हो सकता है, तो इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे ही फिर से क्लिक कर देंगे तो फ़ोन अपने आप ही स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो जाएगा। इससे कुछ भी डिलीट नहीं होगा और जो प्रॉब्लम रहेगी वो सही हो जाएगी। फिर ब्लूटूथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम कनेक्ट करते हैं। अभी देखना नाम आ जाएगा, देखिए आ चुका है। क्लिक करते हैं और अभी हम पेयर करते हैं, देखिए यहाँ से पेयर हो चुका। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। तो गाइस, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद।